अच्छा जनाब, आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अब हम बात करने लगे हैं जनाब दुबई की। अरसा हुआ था मैंने दुबई का काम छोड़ दिया था, क्योंकि दुबई में मुझे तकरीबन 24 लाख रुपए का लॉस हुआ और किसी ने मुझे जो है वो मेरे पैसे खा लिए और खा गए। अब माशाल्लाह बैठा हुआ है वो दुबई में। तो अभी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, मैंने आप लोगों से कहा था, क्योंकि मेरे पास हर वक्त क्लाइंट आते रहते हैं और बहुत सारे मेरे क्लाइंट इतने प्यारे हैं मुझे कि मेरे ख्याल से मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं और मैं उनको भाई बंधुओं की तरह प्यार करती हूँ। तो इस वक्त मेरे पास एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, वो ये आई है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ना कतर, ना ओमान, ना दुबई, ना शारजा अभी विज़िट वीज़ा नहीं खुला है। पता नहीं मार्केट में लोग इस तरह की खबरें क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, यानी कि आप विज़िट वीज़े पे जाएंगे और जाने के बाद जो है वहाँ पे आप अपना काम काम पे खड़े हो जाएंगे और उसके बाद एक से डेढ़ महीने में वो काम जो है उस पर वर्क वीज़े पे चेंज हो जाएगा। अच्छा, इससे क्लाइंट भी सेफ साइड सेफ जोन में रहता है, हम भी सेफ जोन में रहते हैं और आपस में किसी को से शिकवे शिकायत नहीं होते। जो कॉन्ट्रैक्टर को देने वाले पैसे होते हैं वो बंदा अपने साथ लेके जाता है। विज़िट वीज़ा, टिकट, इंश्योरेंस और होटल बुकिंग लाजमी देना पड़ती है, तो उसके पैसे वो हमें देके जाता है। जो हम लेते हैं वो सामान उसे दे देते हैं। अब उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद वो बंदा उसको रिहाइश पे ले जाता है। रिहाइश पे ले जाने के बाद दो दिन के अंदर काम पे खड़ा हो जाता है, उसके बाद वो उसको पेमेंट अदा कर देता है। तो इस तरह मैं भी सेफ जोन में हूँ, आप भी सेफ जोन में, ना आपको कोई शिकवे शिकायत है, ना मुझे कोई शिकवे शिकायत है और ना मुझे ये रोना होगा कि जी बंदा मेरा 24 लाख खा के बैठ गया, उसने मुझे जो है धोखा दे दिया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, दुबई में जो है मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज़ है, मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड की भी कैटेगरी है, लेकिन सब विज़िट पे है, हर चीज़ विज़िट के साथ है, कोई भी विज़िट की कोई भी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात बता रही हूँ। और इसके अलावा राइडर्स की भी है और सबसे ज़्यादा तो हेल्पर की है। हेल्पर की जो सैलरी होती है वो 900 दिरहम से 1000 दिरहम होती है। ओवर टाइम लगा लिया जाता है, सम टाइम कुछ कंपनीज एक वक्त का खाना दे देती हैं, सम टाइम नहीं भी देती हैं। अच्छा, वहाँ पे एक्सपो हो रहा है तो इस वजह से जो है वहाँ पे काफ़ी नरमी हुई हुई है। तो अगर जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि हम कम पैसों में जाना चाहते हैं और हमारे पास जो है वो ज़राए नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि वो ये टाइम को बिल्कुल ना ज़ाया करें और जो है इस वक्त में वो निकल जाएं, तो उनके लिए कुछ आसानी पैदा हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुज़रता है तो फिर आपको पता है जो जब रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त किए जाते हैं तो वो सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए किए जाते हैं। तो जो लोग भी चाहें लेबर वीज़े पे जाना चाहते हैं, मेसन, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर या KFC वगैरह टाइप चीज़ों पे जाना चाहते हैं, तो वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें और मुझसे विज़िट, इंश्योरेंस, टिकट, होटल देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि विज़िट पे आपके पास होटल होना ज़रूरी होता है। वहाँ जाके आपको फिर जो बंदा है वो रिसीव कर लेगा, आप उसकी पेमेंट अपने हाथ में ही लेके जाएंगे। वो पेमेंट हम आपसे मांग ही नहीं रहे कि आपको हमसे और हमें आपसे कोई शिकायत हो सके। तो यह है कि जितने भी कम पैसे वाले हैं और बाहर भी जाना चाहते हैं और अपने घर की कफालत भी करना चाहते हैं और यंग हैं, तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। इस सिलसिले में रही बात नंबर की, तो नंबर मेरा ख्याल से इतनी जगह बटा हुआ है कि आपको ढूंढने में मिल ही जाएगा। किसी भी वीडियो के शुरू में जाएं, मेरे विजिटिंग कार्ड लगे हुए, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं हूँ इस जगह पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू आता है, तो इसलिए मैं इंट्रो वीडियो साथ में आजकल अटैच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो फिर वीडियो जाती नहीं है। जैसे मुझे पूरा पक्का यकीन है कि ये वीडियो मैंने सुबह में बनाई है, तो ये वीडियो आप तक हो सकता है आज रात या कल सुबह तक पहुँचे, तो इसलिए जो है वो नंबर का कोई इशू नहीं है। नंबर हर जगह मेरा है, पूरे इंटरनेट पे मेरा नंबर पड़ा हुआ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और जो चीज़ें आपको बता रही हूँ काइंडली इस पर कंसर्न कीजिए, फोकस कीजिए और इस काम में हाथ डाल दीजिए अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है। और मुझे मैसेज किया कीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि रबी अव्वल के महीने में मैं ज़रा ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, मुझे जो है आपसे जो है वो कम्युनिकेशन करने में वैसे भी नॉर्मली भी प्रॉब्लम होती है कॉल पे बात करने में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी और मेरी सबकी परेशानियाँ दूर करें, आसानियाँ पैदा करें और जितनी जल्दी हो जो चीज़ बताया करूँ उस पर वर्किंग शुरू कर दिया। जजाकल्लाह खैर।